हम लोग पार्टनरशिप के ऊपर काम करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। सेमिस्टर वन में हम लोगों ने बिजनेस के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने पीएल अकाउंट बनाना सीखा था, लेकिन वहां पर सोल प्रोप्राइटर था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक मालिक के ऊपर निर्भर करता था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की, जहां पर बिजनेस रन बाय मोर देन वन पर्सन। हाँ अगर बिजनेस मोर देन वन पर्सन टेक रन कराता है, तो वो पार्टनर का रिलेटेड जो अरेंजमेंट है, उसका जो अकाउंटिंग है, वो हम लोग देखना चाहेंगे। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे। एक एक्चुअली सिलेबस इज कंसर्न तीन प्रकार को करता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा रिओर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये तीन आपका सिलेबस है। तो एरियाज टू बी कवर्ड, वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बिजनेस प्रॉफिट, मतलब बिजनेस प्रॉफिट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो सेमिस्टर वन में हम लोगों ने किया था। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट करेंगे अमंग द पार्टनर्स। बिजनेस प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। टू, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप थ्री, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये तीन चीज हम लोग कवर करेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन में ही आपका यहां पर फर्स्ट पार्ट में आता है पीएल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एलोकेटेड प्रॉफिट। रीऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर,
डेथ ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन कम रिटायरमेंट डेथ कम एडमिशन मैं बोलूंगा ये तीनों ही मेन है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर यहां पर भी हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों का एरिया है सब कुछ दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है तो अभी हम लोग क्लास शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी करके आए हैं ये मेरे लिए नोन है आप लोग ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कर चुके हैं क्लास 12 में लेकिन मैं भूल जाऊंगा आप लोगों ने शायद किया है और नहीं है यहां पर मैं कुछ कुछ एरिया आपके सामने रखूंगा आप लोग फॉलो करेंगे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर तो यहां पर मतलब क्या है करना क्या है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अलाउइंग अलाउइंग सैलरी अलाउइंग सैलरी अलाउइंग रेम्यूनरेशन करते हैं एशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विस अलाउइंग रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विस नेक्स्ट पार्टनर लोग बिजनेस में क्या देते हैं याद रखना पार्टनर लोग बिजनेस में तीन प्रकार का चीज करते हैं तीन से चार एक वो अपना कैपिटल देते हैं वो अपना रिस्क बियर करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने का वो और क्या करते हैं वो लोन भी दे सकते हैं तो ये सबके लिए उसको कुछ ना कुछ मिलेगा बिकॉज फ्री लंच तो कहीं पर नहीं होता है यहां पर भी नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमॉन्ग द प्रॉफिट क्या है उसमें अलाउइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फॉर देयर सर्विस क्या नाम है रेम्यूनरेशन सॉरी सैलरी कमीशन बोनस इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज. Distribution as share of profit. Profit for taking risk in the business. क्यों profit में share मिलता है? बिकॉज आपने बिजनेस में रिस्क लिया है. फॉर टेकिंग रिस्क इन द बिजनेस. चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. Charging interest on drawings धीरे धीरे बात करूंगा सबका. तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा. तो चलिए एक एक करके आते हैं, एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं. फर्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये क्या है? पार्टनर लोगों को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उस कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है. पार्टनर जो इंटरेस्ट दिया है उसके कैपिटल दिया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है. तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन उससे पहले एक चीज करना पड़ेगा, मैं भूल गया, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल ऑफ कैपिटल अकाउंट. By accounting maintenance of capital account. Number one, fluctuating capital fixed capital. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर में ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट. Fixed capital capital account, partners capital account, क्या करता है? Maintain all capital transaction. Like introduction of capital and drawing and capital drawing. Sir, हम लोगों ने drawing सुना था. Capital drawing क्या है?
बताऊंगा। दूसरा पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट क्या है? मेंटेन ऑल द ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल ट्रांजैक्शन। मेंटेन का लिख सकता हूं बा, और एक वर्ड अप्रोप्रिएट है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक है फिक्स कैपिटल। नाउ एक एक करके आते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लूंगा, रेमुनरेशन टू पार्टनर फॉर द जनरल एंड स्पेसिफिक सर्विसेस रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड। इसके अंडर में तो मैंने बोल ही दिया है सैलरी बोनस कमीशन। जर्नल क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे सैलरी का एंट्री होता है वैसे ही सैलरी का अकाउंट एंट्री होगा, लेकिन थोड़ा अलग से। सैलरी टू पार्टनर सैलरी नहीं करूंगा, बेटर रेम्यूनरेशन करता हूं बिकॉज सब कवर हो जाएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप बोल सकते हो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट। तो ये था एंट्री नंबर वन। वन एंट्री टू अल्टीमेटली ये रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये तो एक्सपेंसेस है, सर्विस ले रहा है उसका अगेंस्ट में दे रहा है, तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? बतौर बिजनेस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे ना आप अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ये सर्विस कौन दे रहा है? आउटसाइडर नहीं, मालिक लोग दे रहा है। तो मालिक लोगों का सर्विस के लिए जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जो ओपीएल अकाउंट नहीं है लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। तो रेमुनरेशन का मैटर ओवर हुआ। बी सर रेमुनरेशन तो दो बार क्रेडिट, ये पार्टनर कैपिटल दो बार क्रेडिट हो गया। नो सॉरी 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 थैंक यू। रेमुनरेशन टू पार्टनर अकाउंट मतलब जो कुछ नहीं, ये अगर एक्सप्रेस सैलरी होता तो क्या करते, सैलरी टू बैंक और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद क्या करते, पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, वही मैंने किया है यहां पर। पीएल नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये रेमुनरेशन डायरेक्टली होता है इनडायरेक्टली होता है? इनडायरेक्टली मतलब बेस्ड ऑन द प्रॉफिट हो सकता है और बेस्ड ऑन एनी दूसरा, जब कराएंगे तब दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखना ये सभी एप्लीकेबल होगा अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है तो, अगर इफ पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन किया है तो ये सब नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर इफ अलाउड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में अलाउ करता है तभी होगा, अदरवाइज नो। चलिए एंट्री क्या होगा सर, रेमुनरेशन का जगह होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सेम यहां पर भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर इन एडिशन, पार्टनर Is it audible? Yes, sir. Audible to? Yes, sir. हाँ, network चला गया था.
चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड नेक्स्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू द पार्टनर ऑन देयर कैपिटल ऑन देयर लोन इन एडिशन टू कैपिटल, जर्नल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए यहां पर कोई करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में नहीं गया है, ओके। नेक्स्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री। नेक्स्ट यहां पर एक नोट होगा, क्या नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड इवन इफ देयर is no agreement in this connection in the partnership deed, maximum 6% per annum। अगर पार्टनरशिप डीड में भी कुछ नहीं बोला जा रहता है तब भी आपको मिलेगा मैक्सिमम 6%। अगर पार्टनरशिप बोल डीड में बोल देता है देन कोई इश्यू नहीं है। डी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट इज चार्ज्ड to partner on the drawing of profit। इसका मतलब drawing कितना प्रकार का होता है जानते हो, drawing तीन प्रकार का होता है। One, capital withdrawn। अगर कैपिटल विथड्रॉ मतलब 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और पार्टनरशिप बिजनेस में 1 लाख रुपया लेके चले गए, इसको बोलते हैं क्या, इसका नाम होता है कैपिटल ड्रॉइंग्स। उसका कैलकुलेशन जैसे ही इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तभी हो जाएगा। दूसरा होता है सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब ड्रॉ करके लेके जाना। इसका ड्रॉ करने का मतलब होता है आप सैलरी ड्रॉ करके लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और एक ड्रॉइंग्स होता है प्रॉफिट, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर का सैलरी मिलेगा, इसका बेसिस में अगर आप विड्रॉ करके लेके जाते हैं तो वो आपका हो जाता है ड्रॉइंग्स इन एंटीसिपेशन। अगर ड्रॉइंग्स इन एंटीसिपेशन है तो इंटरेस्ट आपको लगेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसके ऊपर ही बोलता है। So it is a charge on the partners, to the partners on the drawing of any amount in advance। सैलरी आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। सैलरी अगर
अभी आप विथड्रॉ करके लेके जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना पड़ेगा। जर्नल क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, नो, ये फर्म के लिए बिजनेस के लिए इनकम है तो जर्नल होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कहां पर क्लोज करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation, account, okay। तो ये था drawings के ऊपर calculation। Now प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो Creation account debit, profit and loss appropriation account debit, two, profit and loss appropriation account debit two, general reserve, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट मैंने क्या करके रखा है, आइसोलेट करके रखा है फ्यूचर के लिए। लास्ट आइटम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंट्री टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू अल्टीमेटली पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्पोजेबल प्रॉफिट बस शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू
शेयर ऑफ प्रॉफिट अकाउंट। तो ये है जर्नल। आपको लगेगा सर ये तो एकदम वेरी इजी है, छोटा ही तो जर्नल है। यस, ये छह जर्नल में ही पूरा अप्रोप्रिएशन हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ, यहां पर आपको कुछ मैथमेटिकल जगह, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इफेक्टिव कैपिटल, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। चलिए इसमें एक दो आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स का रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए ए एंड बी आर द पार्टनर इन द फर्म, कैपिटल रुपीज 1 lakh एंड रुपीज 80,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कैलक्यूलेट टोटल, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स। बोलिए सॉल्यूशन। आपको तो लगेगा सर इसमें क्या स्पेशल है, ए क्या होगा 1 lakh इंटू कितना परसेंट बेटा, 9%, बिकॉज फुल ईयर ओपनिंग में कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो क्या होगा, ए का इंटरेस्ट होगा। सॉल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल, मैंने क्या बोला था इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर, इफेक्टिव कैपिटल तो सारा साल में 1 lakh रुपए है, तो क्या होगा 9,000 और बी 80,000 इंटू 9% कितना होगा 7,200। डन। तो जर्नल अगर मैं लिखना चाहता हूं तो चलिए जर्नल लिखता हूं, जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोलो, 16,200 टू ए अकाउंट टू, अच्छा ए अकाउंट में कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 9,000 और बी में, अच्छा एस कैपिटल अकाउंट ये भी कैपिटल अकाउंट,
कितना 7200। पीएल अप्रोप्रिएशन में कितना जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा 16200। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोगों ने किया था उसको क्या करेंगे? कैंसिल 16200। डन। मैंने आपको जर्नल थ्रू भी एक दिखा दिया। ओके, चलिए आज हम लोग यहां पर ही खत्म करते हैं। कल का क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज कल हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल किसको कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं इतना तक ही रखता हूं। क्या सीखा मैंने, क्या क्या एरिया हम लोगों को कवर करना पड़ेगा इस सब एरिया में, पीएल अप्रोप्रिएशन बेसिकली है क्या, कितना प्रकार का कैपिटल मेंटेनेंस होता है, और जो जर्नल एंट्री क्या है, हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शन दिया है जर्नल एंट्रीज क्या है, जर्नल एंट्रीज, उसका मैंने पार्ट आपको दिखाया, और एक छोटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक प्रॉब्लम कराया है। आज का क्लास यहां तक रहता है, चलिए कल बात करेंगे, आज से अटेंडेंस दे देते हैं।